क्या बात है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये क्रीम भी जग्गी लाया था ना अमेरिका से। हाँ। तो हाथन पे पोत पोत के काय खत्म किए दे रही। तो मुंह पे पोते उन्हें इन्हें बताई कि जो हैंड क्रीम है, तो हैंड को मतलब तो अमेरिका में भी हाथ ही होते हैं ना, तो हाथ ही पे पोते। देखो यार कैसे होते है? एक ही स्कूल में थे, एक ही कॉलेज में पढ़े, वो कितने निकल गया, हम कितने रह गए। कितने निकल गए बे? वो अमेरिका निकल गए। अरे जे भी तो देखो कितनो ग्रो करो है बाने। हाँ, वो तो है। सुनो क्रीम लगा लो जो। अरे हाँ, हम नहीं लगा रहे यार जे सब हैं, तुम लगाओ। बर्तन मांज मांज की खाद घिस गए हुई है तुम्हारे। ऐसा भी कछु नहीं हो रहा है, और घर के काम हम नहीं करें तो को करे राजा जी। और तुम एक बात बताओ हमें, रुको, कैसी फालतू की बातें लाते हो मन में? बे कितने निकल गए, तुम कितने रह गए, तुमने कम ग्रो करो है का है? सुनो, पर तुम्हें जग्गी भाई साहब और रॉकी को देख के इतना अजीब सो नहीं लगत कबो कबो? अजीब सो मतलब? पता नहीं का है, पर जब भी हम उन लोगों को देखा थे ना, हमें ये सो लगा था कि बे लोग कुछ छुपा रहे हैं। का होगा ऐसे का देख रहे? तुम भी ना यार ऐसी करमचंद बनी बैठी हो ना कि का बताएं। मान गए तुमको, अचुरी हो सकत तुम आओ, तुम ना कभी भी गौ को भी सक के घेरे में ले सकत हो। अरे वो लोग तो एक तरफ इतना इतना सोच रहे अपन लोगन के लाने, और तुम ये सब। अरे हटो यार। एक बात आई थी मन में, ऐसो शेयर कर ली, इतने हम विश्लेषण करवे की जरूरत नहीं है, समझे? और कछु ग्रो नहीं करो तुमने। ले होगा उससे नेमा शुरू। माई हार्ट इज बीटिंग, कीप्स ऑन रिपीटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू। माई हार्ट इज बीटिंग, कीप्स ऑन रिपीटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू। माई लव एंड कम्स इज। पप्पू जी। हाँ, आपसे एक बात पूछे? हम ना कहेंगे तो का रुक थोड़ी ना जाएंगी स्वीटी जी। सच्ची सच्ची बताओगे ना? हाँ। आपको भी कल्पना में कुमकुम और सरोज दिख रही है का? कैसी बात कर रही हो स्वीटी जी आप? हमें कहे कल्पना वल्पना में कुमकुम सरोज नजर आएंगी हैं, आप भी ना? तो फिर आप हमारे साथ नाच का ही नहीं रहे? स्वीटी जी आज ना हमाओ मन नहीं हो रहा है। ओहो मेरे प्यारे पप्पू जी, इतनी सारी टेंशन का लेते हो आप? गुड़िया ठीक हो जाए सही में। हाँ गुड़िया तो ठीक हो ही जाए, आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाए, पर वो बात नहीं है स्वीटी जी, आज ना पता नहीं काय हमको ना अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज हम नाचे भी नहीं सो जाएंगे। अरे स्वीटी जी बात समझने की कोशिश करो ना, वो जग्गी अंकल आए हैं, उनका बेटा आया है, बे लोग नीचे सो रहे हैं, आवाज आएगी, गाना बजेगा, धम धम होगा, बे लोग उठ जाएंगे, बात समझने की कोशिश करो ना स्वीटी जी हमारी। पप्पू जी हाँ। हम एकदम धीमे म्यूजिक चलाएंगे, को पता नहीं चलेगा। हाँ। स्वीटी जी आप बात समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही, जिद लेकर के पकड़ करके बैठ गई, डांस करना। अरे आज नहीं हो रहा है हमारा मन। हम सही में सोच रहे थे आपको वो कुमकुम और सरोज की याद आ रही है, आप हमसे प्यार ही नहीं करते।
किने कह दी स्वीटी जी कि हम आपसे प्यार नहीं करत? आप नहीं करते, करते तो हमारे साथ नाचते नहीं का? हटो पप्पू जी। बात नहीं हो पाई डैड, पता नहीं क्यों मैं कुछ पूछ रहा था, वो जवाब कुछ और दे रही थी। हम कल राधे से बात कर ही लेंगे। बात कर लीजिए डैड, दो दिन बचे बस। कल सगाई के लिए मैं उससे साफ साफ बात कर लेता हूँ। व्हाट डू यू थिंक डैड, हम निकट सिचुएशन में फंस तो नहीं जाएंगे? निकट नहीं, विकट। व्हाट एवर, गेट सीरियस नाउ। हम पर भरोसा रखो बेटा, फंसने नहीं देंगे तुम्हारी खुशी के लिए तो कुछ भी बेटा। ठीक है, सगाई के बाद निकल लेंगे, गलती से भी इस गुड़िया नाम की गलती में हम फंस ना जाए। राधे। अरे जग्गी गुरु, तुम्हें जाना तो हमें बताना चाहिए था यार, हम जल्दी बाहर आ जाते। नहीं मुझे जाना नहीं है, तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। देखो गुड़िया से रॉकी ने बात करने की बहुत कोशिश की पर बात हुई नहीं, अब हम लोग के पास ज्यादा वक्त तो है नहीं, अगर उन दोनों की सगाई होनी है वो आज ही करनी होगी। आज? हाँ आज। गुड़िया ने ठीक से बात नहीं की, इस बात की हमें चिंता है। देखो यार जग्गी, तुम जाना था हमको, हम ऐसे इंसान है ही नहीं कि अपनी जुबान देके और फिर पलट जाए। तो अब तुम निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल डरो नहीं, अब गुड़िया की शादी अपने राखी से ही होगी। चलो। कहाँ? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है, लोगों को मिठाई खिला के उनका मुंह मीठा नहीं कराएंगे? ये बात भी सही है। सरप्राइज देंगे, जल्दी से चेंज कर लो, हम भी कपड़े बदल के आते। गुड मॉर्निंग। आप अकेले खड़े खड़े काहे मुस्कुरा रहे? बस आपको बिकू दिख गए का? कौन? क्यों नहीं, हमें तो ना आपकी बहुत चिंता हो रही रॉकी जी, आप अकेले खड़े खड़े काहे मुस्कुरा रहे? आप बहुत कामुक है ना? कामुक? जी कामुक। कामुक मतलब? कामुक मतलब इमोशनल। हाँ इमोशनल जी। अच्छा मतलब भावुक। हाँ जी वही भावुक। जी जी जी। आपको हम कैसे लगते हैं? अच्छे हैं दोस्त, तो लगेंगे ना। आप भी बहुत अच्छी है। रॉकी जी। हा? आपको धार बनाना आती है? धार? अच्छा नादानी बरती है। हो भैया, वो सांप थानी होते हमारे भोले रॉकी जी। रॉकी जी कामुक को मतलब क्या होता है? पता नहीं। कोई बात नहीं रॉकी जी,
भा के लाने अपने मन में हीन भाव न लाने की जरूरत नहीं है। नहीं पता तो कोई नहीं, हमें भी कौन सा पता है। वो फोन बज रहा है, एक्सक्यूज मी। मुत्तु जी, धार वालो मंजन करोगे? नहीं मामा, मन नहीं, तुम करो। खालपने खोवे को जे अच्छो फायदा है का? रोज रोज मंजन सोई नहीं करना पड़ता। हाँ जे तो है। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। ग्रेट लेडी ना हलवा और पूरी बना रही हैं। खाने हैं? नेकी और पूछ पूछ। अबे हाली लेता थे। मुत्तु जी, एक बात तो बताओ। कामुक को और का होता है, आपको पता है का? कामुक? हमें का पता? कोई बात नहीं, बाकी लाने ना अपने मन में बिल्कुल भी हीन भाव न लाने की जरूरत नहीं है। नहीं पता तो नहीं पता, हमें कौन सा पता है। हलवा पूड़ी लेके आते हैं। लेके आओ। काईजू, इतने तक बात पहुंचा दी है तो फाइनल भी करवा दो। 21 दिन तक माखन मिश्री को भोग चढ़ाए, सही कह रहे हैं? अम्मा, तुम कहती हो ना कि भगवान मेहमान को रूप होते हैं, तो मुद्दु जी के लाने हलवा पूड़ी परस्तो। तुम बहुत दिन से कुटी नहीं हो, समझी? वो भैया लास्ट वार्निंग दे रहे हैं अम्मा, जो तुमने हमारी मुद्दू जी के सामने कुटाई करी तो काय हमारी इमेज ब्रेक हो जाए। भगोई दे सर, बढ़िया इमेज ब्रेक वाली भग। अम्मा, हम तो भग जाएंगे, पहले हलवा पूरी तो परस दो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तनक। हमसे बदतमीजी करी ना, इतने उठा के पटक दे हैं तुम्हें, हैं? दो लोगन को खा खा के पेट खराब कर ले, चल भग दे सर। अम्मा, हम का कह रहे, हम मुद्दू जी को ना नेचे बुलाए लेते हैं, दो ही जने बढ़िया चबूतरे पे बैठेंगे। रुको, दे रहे हैं। मेहमान के लाने ठंडी पूरी दोगी का अम्मा? गरम गरम पूरी सेक दो। अम्मा, जब तक तुम पूरी सेक रही हो ना, हम तुम्हारे टाइम पास के लाने तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और एक बात और क्लियर करे दे रहे भोली अम्मा, अगर आंसर नहीं कर पाई हमारी बातन को तो तुम ना बिल्कुल भी हीन भावना नहीं रही हो अपने मन में। पूछे अम्मा, कामुक को का मतलब होते है? कोई बात नहीं, तुम्हें जवाब नहीं पता तो भाके लाने तो शर्मा का आए रही। तुम जो बताओ कि जो सवाल तुमसे पूछो किने हैं? रोकी जी ने। ओ भैया, बहुत ही एडवांस है जे तो। हे अम्मा, तो का तुम कम एडवांस हो? तुम्हें एक काम को यार तो नहीं पता, तो बाकी वजह से तुम पीछे थोड़ी ना रह जाओगी। अच्छा तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम ना बाबू जी से या फिर भैया से पूछ लेते हैं, उन्हें पता हुई है पक्की में। को के सामने भी मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, है? ठीक है, हम बता रहे हैं। वो कामुक का होता है बेटा कि जो लोग बहुत कामना करते हैं ना, हाँ, जो लोग बहुत कामना करते हैं उन्हें कामुक बोलत हैं। अच्छा, हाँ, तो अब ना तुम्हें को और से जे सवाल नहीं पूछने। हाँ, नहीं पूछने। को और के सामने मुंह नहीं खोलने। हाँ, है? समझ गए, जैसे अम्मा तुम बहुत ही कामुक हो, है ना? आपने बोले भगवान जी की दिन भर कामना करती रहती हो, काईजू करके। समझ गए। थैंक यू हमारी कामुक अम्मा। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। काईजू, खड़े काय हो, बैठ जाओ। ओ, भूख लग रही है, रुको रुको, अभी गरम गरम हलवा पूड़ी मंगाते हैं। अरे स्वीटी, ड्रामे बाद से गरम गरम हलवा पूड़ी लियो, बोल दो राधे के बाबूजी आए हुए।
इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हमें तो पता हो तो कि जो आइडिया सर्कुलेट हो जे है, भूत पिशाच सब आ जे हैं, कछु नहीं मिल रहा को को। कितनी दोगली है ये चालाक लोमड़ी। हाँ पप्पू जी। हाँ सुट्टी जी। तुम तब से अंदर ही बैठे थे? हाँ अंदर ही बैठे थे। वो का है ना जीजी, हलवा पूड़ी खावे के लाने पेट हल्का कर रहे थे। हाँ अमरीकन बालन की देखा दाखी, जब ये वेस्टर्न यूज कर रहे हैं तभी घंटू अंदर बैठे रहते। क्या जीजी? ओहो अलका जीजी, ऐसे कछु भी नहीं बोलो, हमारे पप्पू जी तो अब बेहाल ही गए थे। काय पप्पू जी? हाँ स्वीटी जी। ओ, हम बाहर निकले और पप्पू अंदर घुसो तो। हाँ, जा घर में बस यही होते, हम जरा सा मुंह भर खोल लें, सबके सब हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। जीजी ये बात बात पे गुस्सा काय हो रही हैं आप? हैं मतलब नहीं, हमें तो ये समझ नहीं आता कि कोई सलवार कमीज पहनकर भी सबरी बातन का इतना ज्यादा बुरा कैसे मान सकते हैं? आपकी चिंता जायज है स्वीटी जी। पप्पू स्वीटी किधर हो? खुशखबरी देने सब आ जाओ भाई। खुशखबरी? आए सब लोग। इतने ही हुई है? इतने आओ बाहर आओ यार, इतने आओ। अरे हटो यार। क्या हुआ बाबू? ये लो बेटा, करो मो मीठा। पप्पू मो मीठा करो बेटा। जिया हाँ करो। बाबूजी होगा क्या? रो क्यों नहीं पप्पू? क्या होगा? या रो क्यों नहीं? पर बाबूजी हुआ क्या? बार बार कछु नहीं। आज शाम को अपनी गुड़िया की सगाई है, होगा पैसा। अरे अम्मा। अरे इसे आया। तुमने भी कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखा रही है। ये शोर कैसा है चाचा जी? क्या हुआ ये शोर कैसा है? अरे इसे आओ हमारे भाभी दामाद जी, मुँह मीठा करो। जे लो आज तुम्हारी सगाई है। मेरी? रियली? आओ। बहुत कृतज्ञ हूँ। का है इनका कहबे का मतलब है कृतज्ञ हूँ, थैंक यू कह रहे हैं सबको। ओके। आउट हो गए आप? भाई दिखा रहे तुमको। तो फिर इट्स ओके। मेरा मन है कि ये सगाई घर की घर में हो जाए, बाहर वालों को बात नहीं देखेंगे। हमें भी यही ठीक लग रहा है। कहा है कि सगाई अपने अपनों के बीच हो जाए तो बढ़िया। अब बेटा रॉकी तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, है? और परमेश्वरी तुम तैयार? बिल्कुल सही है? हाँ बिल्कुल। इनने कहता ही तो होगा वो फैसला। तो फिर हम लोग कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं। हाँ समझी जी। चल शॉपिंग वॉपिंग। हाँ बाय 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 चाचा जी। हाँ खुश है। पर राजा जी अपनी राजकुमारी जी को समझा लो, वो तो अबे भी कल्पना लोक में विचरण कर रही है, समझाओगे नहीं तो शाम को तितिम्मा मचा देगी। अरे अब तुम इन सब बातन की टेंशन नहीं करो यार,
तुम एक काम करो, बा को अपने कमरा में भेज दो, हम टेकल कर लें। का काहे कि अब इतने सालन से तुम्हारे साथ रहते रहते कछु ट्रेनिंग तो हमारी भी हो ही गई है। ओह भैया, कैसी ट्रेनिंग? ड्रामा की ट्रेनिंग। वैसे भी और कौन सी ट्रेनिंग देने के लायक हो तुम ड्रामेबाज? जल कुकड़ी कहीं की? गुड़िया,